वेलकम टू आवर YouTube चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस कर रहे थे। कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, गार्नर वर्सेस मरे से के रूल से रिलेटेड एग्जांपल हमने जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए थे वो डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और एग्जांपल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है WXY, तीन पार्टनर थे, चार पार्टनर थे 4-3-2-1 की रेशो में। डेट ऑफ डिसोल्यूशन को उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 2011 को। W की कैपिटल थी 30,000, X की थी 20,000, Y की थी 3,000 और सन्ड्री क्रेडिटर थे उनके 10,000 रुपीज की। एसेट्स में गुडविल थी 10,000 की, फिक्स एसेट्स थी 40,000 की, करंट एसेट्स थी 12,000 की और Z की कैपिटल ओवरड्रॉन थी 1,000 रुपीज। आगे क्या कहता है? आगे कहता है Z हैज नो सेपरेट एसेट एंड लाइबिलिटी। Z की अलग से ना कोई एसेट थी ना कोई लाइबिलिटी थी। पार्टनर ने डिसाइड किया कि फर्म को डिसोल्व कर दिया जाए। फिक्स एसेट से 30,000, करंट एसेट से 10,000, गुडविल से कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ। डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हुआ 3,000। वाई केवल 500 अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों से कंट्रीब्यूट कर पाया। नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं गार्नर वर्सेस मरे रूल को फॉलो करते हुए और यह मानते हुए कि वाई और जेड बिकम इंसॉल्वेंट, वाई और जेड दोनों का दिवाला निकल गया है। एमडीयू में 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, सभी एसेट और लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पर उनकी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या हो जाएगा, एसेट को करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल 10,000, टू फिक्स एसेट 40,000, टू करंट एसेट 12,000। तो क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा टू गुडविल अकाउंट, रियलाइजेशन का डेबिट है टू गुडविल 10,000, टू फिक्स एसेट 40, टू करंट एसेट 12,000। फिर हम लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी केवल क्रेडिटर थे तो बाय संडी क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा 10,000। फिर कहता है एसेट को बेच दिया, फिक्स एसेट से 30,000, करंट से 10,000 मिले, गुडविल से कुछ नहीं मिला, तो टोटल 40,000 आ गए, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 40,000 रुपीस, बाय कैश अकाउंट एसेट रियलाइज 40,000। अब हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। एक तो क्रेडिटर है हमारे, क्रेडिटर पे कर दिए टू बैंक अकाउंट 10,000, रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएंगे। फिर कहता है रियलाइजेशन के एक्सपेंस है 3,000, वो पे किए तो वो आ जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 3,000। रियलाइजेशन का हिसाब किताब हो गया। अब ये देखेंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट। डेबिट है 75,000, क्रेडिट है 50,000, तो 25,000 का लॉस हो गया। उसको उनकी रेशियो 4-3-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो W 10,000 से, X 7500 से, Y 5,000 से और Z 2,500 रुपीज से डेबिट हो जाएगा।
अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनकी कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। W का 30,000 क्रेडिट था, X का 20,000 क्रेडिट था, Y का 3,000 क्रेडिट था और Z का 1,000 डेबिट था, तो वो डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। रियलाइजेशन का लॉस हुआ वो उनके डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, W 10,000 से, X 7,500 से, Y 5,000 से और Z 2,500 से डेबिट हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे किससे क्या लेना है। अच्छा, गार्नर मरे के रूल को उसने कहा कि एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल होता है, तो जो रियलाइजेशन का लॉस है जो कैपेबल पार्टनर है वो नगद में लेके आएंगे। W कैपेबल है, Y और Z का दिवाला निकला है, तो W 10,000 रुपीज बाय बैंक, W क्रेडिट हो जाएगा, X क्रेडिट हो जाएगा 7,500 से। Y से कह रहा है केवल 500 रुपीज उसकी स्टेट से मिले हैं, जबकि Z के पास कोई ना तो एसेस थी ना कोई लाइबिलिटी थी, कुछ नहीं मिला, तो 500 रुपीज हम Y से ले लेंगे, तो Y से लेके आने की हो जाएगी, Y क्रेडिट हो जाएगा बाय बैंक 500। अब देखेंगे Y से हमें 5,000 रुपए डेबिट है, 3,000 रुपए क्रेडिट है, 500 रुपए क्रेडिट है, तो 1,500 रुपए का वाई के कारण लॉस हो गया। W और X उनकी कैपिटल की रेशियो में उसको बियर करेंगे, तो कैपिटल की रेशियो आएगी 30,000 रेशियो 20,000, तो 3:2 आ जाएगी, तो इस 1,500 की डेफिशिएंसी को वाई की वो 3:2 में बियर करेंगे, तो 900 से W क्रेडिट डेबिट हो जाएगा और 600 से X Y कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। बाय W कैपिटल अकाउंट 900 से Y क्रेडिट, बाय X कैपिटल अकाउंट 600 से Y क्रेडिट हो जाएगा। अब Z का, Z से 3,500 रुपए लेने दे, वो डेबिट था 1,000 प्लस 2,500, 3,500 से कुछ भी उसके क्रेडिट में नहीं था, तो 3,500 का लॉस हो गया। अगेन W और X इसको बियर करेंगे, रेशियो वही कैपिटल की 3:2, तो 2,100 हम W को डेबिट कर देंगे और 1,400 X को Z क्रेडिट हो जाएगा, तो बाय W कैपिटल अकाउंट 2,100 Z के क्रेडिट में, बाय X कैपिटल अकाउंट 1,400 Z के क्रेडिट में। अब X और W का बच गया, जो उनसे लेना है ले लेंगे, जो देना है वो दे देंगे, तो दोनों को ही देने निकलते हैं, तो X को फाइनल पेमेंट 27,000, W को फाइनल पेमेंट 27,000 और X को 18,000 पेमेंट कर देंगे, 18,000 रुपीज की। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट, तो सबसे पहले बैलेंस, बैलेंस कुछ गिवन नहीं था, फिर हमने संपत्तियों को बेचा, संपत्तियों के बेचने से आया टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। लाइबिलिटीज, क्रेडिटर का भुगतान किया और रियलाइजेशन के एक्सपेंस, तो बैंक के क्रेडिट में आ जाएंगे बाय रियलाइजेशन 10,000, बाय रियलाइजेशन 3,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब एक्स W रियलाइजेशन के लॉस को लेके आए थे टू W कैपिटल अकाउंट 10,000, टू X कैपिटल अकाउंट 7,500 और Y से केवल 500 मिले थे, टू Y कैपिटल अकाउंट 500। फिर जो पेमेंट की थी वो W और X को की थी, जो बच गया वो पेमेंट कर दिया बाय W कैपिटल अकाउंट 27,000, बाय X कैपिटल अकाउंट 18,000, तो कैश में कुछ भी नहीं बचेगा। इस प्रकार से हमारे सारे अकाउंट क्लोज हो गए, Y की डेफिशिएंसी को W और X 3:2 की रेशियो में, इसी प्रकार Z की डेफिशिएंसी को 3,500 को वो 3:2 में बियर करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस शीट गिवन है, उसमें क्रेडिटर है, बी का लोन है, ए बी सी डी चार पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल गिवन है, एसेट में संडी एसेट है, कैश है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स लॉस हो गया, बी की ड्राइंग है और सी की ड्राइंग है। पार्टनर प्रॉफिट लॉस को 2/10, 3/10, 3/10, 2/10, ये गलती से यहाँ पे 100 है तो 10 है, तो क्या हो जाएगा 2:3:3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उनकी पोजीशन क्या है व्यक्तिगत, ए
10,000 रुपए की प्राइवेट एसेट है, उसके पास 15,000 की प्राइवेट लाइबिलिटी है, ए का तो दिवाला निकला हुआ है पर्सनली। तो बी की 20,000 की पर्सनल एसेट है, 6,000 की लाइबिलिटी है, तो 14,000 रुपए उससे जरूरत पड़ने पर हम ले सकते हैं। सी 5,000 रुपए की प्राइवेट एसेट है, 4,000 की लाइबिलिटी है, तो उससे 1,000 रुपए हम ले सकते हैं। डी 8,000 रुपए की प्राइवेट एसेट है, 9,000 की उसकी प्राइवेट लाइबिलिटी है, तो 1,000 रुपए लाइबिलिटी को पे करने के लिए कम है, उसका भी दिवाला निकला हुआ है। तो इस पोजीशन को देखने से लग रहा है ए और डी दोनों इंसॉल्वेंट हैं, बी और सी अभी तक सक्षम है, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। संपत्तियों से 26,000 रुपए मिले, रियलाइजेशन का खर्चा 1,000 रुपए हुआ, नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, सभी एसेट संडी एसेट को हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में, तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट टू संडी एसेट अकाउंट, तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू संडी एसेट, तो क्या हो जाएगा टू संडी एसेट रियलाइजेशन के डेबिट में 30,000। फिर लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में क्या है, सिर्फ क्रेडिटर है 20,000 से और बी का लोन है, तो बी का लोन का तो अलग अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर का बनेगा, तो क्रेडिटर को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय क्रेडिटर टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000, बाय क्रेडिटर टू रियलाइजेशन। फिर एसेट को सेल किया, एसेट को सेल करने से रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे, बाय कैश अकाउंट 26,000 बता रहा है, रियलाइजेशन के खर्चे 1,000 है वो पे कर दिए, और लाइबिलिटी थी क्रेडिटर की 20,000 की वो पे कर दी। अब रियलाइजेशन का डेबिट है 51, क्रेडिट है 46, तो 5,000 का लॉस आ गया, वो ए बी सी डी में उनकी रेशियो 2:3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 1,000 रुपए से ए, 1,500 से बी, 1,500 से सी और 1,000 रुपए से डी डेबिट हो जाएंगे। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उनका कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, ए का 10,000 क्रेडिट था, बी का 6,000 क्रेडिट था, सी का 6,000 क्रेडिट था और डी का 3,000 क्रेडिट था। बी और सी की ड्राइंग दे रखी है, वो उनके डेबिट में चली जाएगी, टू ड्राइंग, बी 2,000 से और सी 2,000 से। अब बैलेंस शीट में लॉस दे रखा है, उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3:3:2 की रेशियो में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए 3,000 से, बी 4,500 से, सी 4,500 से और डी 3,000 रुपए से डेबिट हो जाएगा। अब रियलाइजेशन का लॉस उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन, ए 1,000 रुपए से, बी 1,500 रुपए से, सी 1,500 रुपए से और डी 1,000 रुपए से। गार्नर मरे के नियम के बारे में स्पष्ट नहीं था, तो वो रियलाइजेशन के लॉस को नगद में नहीं लाएंगे। अब देखते हैं, और ए का डेबिट है 4,000 रुपए, क्रेडिट है 10,000 रुपए, तो ए व्यक्तिगत रूप से चाहे कुछ भी हो लेकिन फर्म में वो 6,000 रुपए उसके जमा है, तो उसकी लाइफ अभी हमारे पास उसके पैसा देने के लिए है, तो उससे हमें कोई रिक्वायर नहीं है। बी का है 2,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500, 8,000 डेबिट है, 6,000 क्रेडिट है, तो 2,000 रुपए उससे लेने हैं, तो बी की प्राइवेट स्टेट क्या कहती है, बी की कहती है कि 20,000 रुपए उसके पास एसेट है, 6,000 रुपए लाइबिलिटी है, तो वो ला सकता है, उससे पैसा आ जाएगा, तो पैसा आ जाने की एंट्री हो जाएगी बाय कैश अकाउंट और बी को क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपीज। अब सी का 2,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500, 8,000 से डेबिट है, क्रेडिट है 6,000 से, उससे भी 2,000 लेने हैं, लेकिन उसकी व्यक्तिगत संपत्तियां क्या कहती है कि सी के पास 5,000 रुपए की एसेट है, 4,000 की उसकी व्यक्तिगत लाइबिलिटी है, तो वो केवल 1,000 रुपए दे सकता है, 1,000 रुपए हम उससे ले लेंगे, 1,000 रुपए उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो 1,000 रुपए लेने की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सी को क्रेडिट कर देंगे बाय कैश अकाउंट। अब डी का देखेंगे, 1,000 रुपए का लॉस हो गया ड्यू टू सी, ये हमें ध्यान रखना है। डी का है 3,000 और एक 4,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट, 1,000 रुपए उससे लेने हैं। अब उससे देखेंगे उसकी क्या पोजीशन है डी की, तो डी
8000 रुपए की एसेट है, 9000 की लाइबिलिटी है, तो वो कुछ नहीं ले सकता क्योंकि उसकी व्यक्तिगत लाइबिलिटी को पे करने के लिए भी सक्षम नहीं है। तो 1000 रुपए का ये लॉस हो गया। बी से फर्म पहले ही मांग रही है, वो दे गया। सी से पहले मांग रही है लेकिन वो पूरे नहीं दे पाता। डी पे भी मांग रही है, नहीं दे पाता। सिर्फ बचा ए, तो ये सारा का सारा लॉस ए के खाते में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बाई ए कैपिटल अकाउंट, सी से 1000 रुपए और डी से 1000 रुपए। तो 2C कैपिटल ए डेबिट हो जाएगा 1000 से, 2D कैपिटल 1000 से डी कैपिटल हो जाएगा। तो बी से तो फर्म मांग रही थी इसलिए वो कुछ देगा नहीं, रो उसमें सिर्फ ए के हिस्से सी और डी की डेफिशिएंसी आएगी, बाकी अमाउंट जो बची 4000 रुपए की वो ए को पे कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ए का वैसे तो दिवाला था, उससे ले तो कुछ सकते नहीं है, लेकिन फर्म में उसके पैसे ज्यादा थे तो वो केवल 4000 रुपए उसको फर्म से मिलने हैं, तो वो 4000 रुपए फर्म को दे देगा। तो इस प्रकार से इस सम का निपटारा करेंगे। फिर हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस आएगा 1000 रुपए था, फिर रियलाइजेशन संपत्तियों के बेचने से आए 26000, वो आ जाएंगे। सी की कैपिटल के आए 1000 रुपए, वो आ जाएंगे। बी की कैपिटल के 2000 आए, वो आ जाएंगे। क्रेडिटर पे किए बाय रियलाइजेशन 20000, वो आ जाएगा। एक्सपेंसेस पे किए रियलाइजेशन के, वो आ जाएंगे 1000 रुपए। बी का लोन की पेमेंट की है बाय लोन अकाउंट, बी लोन अकाउंट, वो आ जाएंगे। ए को 4000 रुपए की पेमेंट की है, वो आ जाएगा। कैश अकाउंट क्लोज हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार से हम फर्म की एसेट का और लाइबिलिटी का निपटारा करते हुए फर्म को बंद कर देंगे। तो वर्किंग नोट में क्या दिखा रखा है कि 10-3 7000 रुपए ए, 6-2 -4500 ₹500 कैपिटल की रेशियो निकालनी है इंसॉल्वेंसी लॉस के लिए। सी एंड डी आर अनेबल टू कंट्रीब्यूट टू द डेबिट बैलेंस अपीयरिंग इन देयर अकाउंट, देयरफॉर ट्रीटेड एज इंसॉल्वेंट, तो उनको इंसॉल्वेंट मानेंगे। अफेक्टिव बैलेंस बी के कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव है इसलिए वो कुछ देगा नहीं, लॉस में वो कुछ देगा नहीं, तो सॉल्वेंसी सारी की सारी ए के द्वारा बियर की जाएगी और वो ए के अकाउंट में चली जाएगी। इस प्रकार से हम इस रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो दो क्वेश्चन आज हमने किए दोनों ही एग्जाम में, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में और एक MDU में आया हुआ है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।